जबलपुर की संजीवनी नगर थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की चार नकाबजनी की घटनाओं का खुलासा किया। वहीं तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जानकारी देते हुए जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि ये तीनों शातिर बदमाश सूने मकानों को अपना टारगेट बनाते हुए रैकी कर इनको निशाना बनाते थे और घर पर रखा हुआ सामान चोरी करके अपने साथ ले जाते थे। पुलिस को बहुत समय से इन शातिर नकाबजनी की तलाश थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवर समेत 7 लाख का घर गृहस्थी का सामान भी बरामद किया है। जैसे कि आप सभी को विदित है, विगत कुछ समय से थाना संजीवनी नगर क्षेत्र में कुछ चोरियां नकबजनियां हो रही थी। संजीवनी नगर का क्षेत्र जनरली कॉलोनीज का है और काफ़ी लाजमी है कि वहाँ पे इस तरह की वारदात होती हैं। इसी के तारतम्य में संजीवनी नगर पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें क्राइम ब्रांच का भी सहयोग रहा और मुख्य तौर पे CSP प्रतिष्ठा और थाना प्रभारी शोभना और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें कि हमको चार नकब जो बड़ी नकबजनियाँ हैं वो हमारी ट्रेस हुई हैं। इसमें करीबन 102 ग्राम सोने के जेवर, 500 ग्राम करीब चांदी के जेवर, इसके अलावा एक चोरी की एक एक्सेस वाहन जो जिला दमोह से चोरी चला गया था वो रिकवर हुआ है। साथ ही साथ सिम्फनी कूलर, मिक्सी, साउंड सिस्टम, लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुल मिलाकर के 7 लाख का माल मसरूका